नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल्स के बारे में, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशनल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पहला टाइप है, पहला टाइप को हम कहते हैं ओपन कंडीशन। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन कंडीशन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ओपन कंडीशन किस तरह के कंडीशन होते हैं। तो ओपन कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन। ओपन कंडीशन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबल, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंडीशन, ठीक है, जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है, जिसके 50-50 चांस है, 50% आपके होने के चांस है और 50% नहीं होने के चांस है। तो चलिए, ओपन कंडीशन के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं। अब देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, अगर वह पढ़ेगा तो वह परीक्षा पास करेगा। सबसे पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस को हम पहचानते कैसे। कंडीशनल सेंटेंस में आपको अगर, यदि, ठीक है, अगर वर्ड, यदि वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कंडीशन हम अगर से ही पूछते हैं, यदि से पूछते हैं, आपको इसके लिए इफ़ मिल सकता है, अनलेस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो अगर से स्टार्ट हो करके करेगा तक कंप्लीट है, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे फुल स्टॉप कहते हैं। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो इसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। क्लॉजेस भी अपने आप में सेंटेंस ही होता है, ठीक है, लेकिन वो बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसलिए हम उसे सेंटेंस ना कह करके क्लॉज कहते हैं। तो देखो, क्या ये तो सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, लेकिन क्या इसी के अंदर आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग क्लॉजेस दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपको दो अलग अलग क्लॉज यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो हमारा क्लॉज यहाँ पर है अगर वह पढ़ेगा, अगर वह पढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्लॉज क्या है, वह परीक्षा पास करेगा। तो ये दो क्लॉज है, पहला क्लॉज क्या है, अगर वह पढ़ेगा, और दूसरा क्लॉज क्या है, वह परीक्षा पास करेगा। यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस तो के लिए देन लगा देते हैं। आपको इस तो के लिए देन नहीं लगाना, बस कॉमा लगाना। क्या करना, कॉमा लगाना, ठीक है। तो हिंदी में हम तो लिखेंगे, तो बोलेंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम वहाँ पर इस तो के लिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए बस कॉमा लगाएंगे, आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्लॉज की भाषा में बोलें तो पहला वाला जो क्लॉज हमारा है, ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है हमारा मेन क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं, तो जिस क्लॉज, जो क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और जो क्लॉज कोई भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। तो ये हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जब मैं आपको एक सेपरेट क्लॉज का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्लॉज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको और भी पता चलेगा कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, मेन क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझो, जो देखो बड़े से सेंटेंस में अगर दो अलग अलग सेंटेंस है, यानी कि दो अलग अलग क्लॉज है, तो जो क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होगा उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर अगर देखो, अगर हमारा क्या कंजंक्शन है, तो पहला क्लॉज हमारा कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, अगर वह पढ़ेगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा कोई भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा है। इस तो को कंजंक्शन मत समझ जाना, ठीक है, ये केवल कॉमा का काम करेगा यहाँ पर। तो वह परीक्षा पास करेगा, ये हमारा मेन क्लॉज है, बात समझ में आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसको दूसरा नाम दूंगा कंडीशनल सेंटेंस को समझाने के लिए, कंडीशनल को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा अगर वाला पार्ट है ना, अगर वाला जो क्लॉज है उसको हम कहेंगे कंडीशनल क्लॉज। जरा बताना उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज हम किसे कहेंगे, जिसमें अगर रहेगा, यानी इंग्लिश में जिसमें इफ रहेगा या अनलेस रहेगा, उसे हम कहेंगे कंडीशनल क्लॉज। और जो हमारा मेन क्लॉज है, वास्तव में हम उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे रिजल्ट क्लॉज। क्या नाम देंगे, रिजल्ट क्लॉज।
अब देखो हमने ऐसा नाम क्यों रखा, ठीक है, इसका तो वास्तविक नाम क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज और इसका वास्तविक नाम है मेन क्लाउज, लेकिन कंडीशनल्स को समझने के लिए हमने इसको क्या नाम रखा, पहला वाला का नाम रखे हम लोग, यानी कि सबऑर्डिनेट का नाम रख दिया कंडीशनल क्लाउज और आपका जो हमारा मेन क्लाउज है उसका नाम रख दिया रिजल्ट क्लाउज। अब देखो हम लोगों ने इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा, अभी देखिए पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको कंडीशन पता चल रहा है क्या, अगर वह पढ़ेगा, हम जब कभी भी अगर शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी से क्या पता चलता है, इससे कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या क्या कर रहा है, पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लाउज जो है ये कंडीशन बता रहा है, इसी कारण से हम इसका नाम क्या रखें, कंडीशनल क्लॉज। अच्छा ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, यानी कि अगला क्लॉज देखो, वह परीक्षा पास करेगा, तो परीक्षा पास करना क्या है, इस कंडीशन का रिजल्ट है, यानी अगर पहला वाला कंडीशन फॉलो होगा यानी पहला वाला काम होगा तभी जाकर के इसका रिजल्ट होगा। अरे भाई जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो फिर रिजल्ट कैसे होगा, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखोगे तो जो मेन क्लॉज है ना वो पहले वाले क्लॉज का रिजल्ट है, यानी इस कंडीशन का रिजल्ट है। तो कंडीशनल को समझाने के लिए जो भी छोटे छोटे बात मुझे समझाना पड़ रहा है मैं उसको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि कंडीशनल में आपको जब भी मिलेगा तो दो क्लाउज मिलेगा, एक क्लाउज जिसमें अगर लगा रहेगा उसे हम कंडीशनल क्लाउज कहेंगे और जो हमारा मेन क्लाउज होगा उसे हम कहेंगे रिजल्ट क्लाउज। रिजल्ट क्लाउज का मतलब क्या होता है, पहले वाले कंडीशनल क्लाउज का हमें परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में पता चलता है। बात आपको समझ में आ रही है, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान देना, ओपन कंडीशन, हम ओपन कंडीशन किस तरह के कंडीशन होता है, ओपन कंडीशन से हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है और ओपन कंडीशन जो है ना ये प्रेजेंट से लेके फ्यूचर के बारे में रेफर करता है, ठीक है। ओपन कंडीशन का लेना देना पास्ट टेंस से नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। ओपन कंडीशन का जो लेना देना होता है ये प्रेजेंट से होता है और फ्यूचर से होता है, ठीक है। तो ओपन कंडीशन का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताता है और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो 50-50% हो, 50% होने का भी हो और 50% ना होने का भी हो, इसी कारण से हम इसे कहते हैं खुला शर्त है, ठीक है। तो खुली शर्त यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो पढ़ेगा तो परीक्षा पास करेगा यानी कि प्रोबेबिलिटी है ना, हो जाने का प्रोबेबिलिटी है। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा नहीं पास करेगा, यानी जो रिजल्ट हमारा किस पे, पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों बात यहाँ पर हो पॉसिबल है, ठीक है। इसी कारण से हमने इसका नाम क्या रखा, ओपन कंडीशन, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे तो इसका नाम रखते होंगे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड, यानी टाइप वन टाइप टू। तो टाइप वन टाइप टू से अच्छा है कि आप इसको ऐसे समझो, ओपन कंडीशन से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, हाँ देखो स्ट्रक्चर को मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां पर एसटी का मतलब आप स्ट्रक्चर समझ जाना, ठीक है। एसटी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर। तो एक तो हमारा क्लाउज हो गया कंडीशनल क्लाउज और एक हुआ रिजल्ट क्लाउज। तो कंडीशनल क्लाउज हमारा यहां पर कौन से टेंस में होगा और रिजल्ट क्लाउज हमारा कौन सा टेंस में होगा, तो ध्यान देना जो कंडीशनल क्लाउज है उसे हम प्रेजेंट इनडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। उसे कहां रखेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट, कहां, प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट को और हम किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसको किस टेंस में लिखेंगे, जब ओपन कंडीशन की बात हो, हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है ये ओपन कंडीशन का है, तो ओपन कंडीशन में जो हमारा पहला क्लॉज होगा कंडीशनल क्लॉज, यानी जिसमें इफ लगा रहेगा, अगर लगा रहेगा, उसे हम किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा को हम क्या करेंगे, फ्यूचर इनडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, फ्यूचर। देखो जहां पर मैं इनडेफिनिट लिख रहा हूं ना उसको आप सिंपल भी समझ सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट कहो या फिर प्रेजेंट सिंपल कहो, फ्यूचर इनडेफिनिट कहो या फिर फ्यूचर सिंपल कहो, बात यहां पर क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब ये जो सेंटेंस है, अगर वह पढ़ेगा तो वह परीक्षा पास करेगा, अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, तो इफ इफ
ही। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल तो आपको पता है, वर्ब हमारा वी वन या वी फाइव के फॉर्म में होता है। तो इफ ही स्टडीज, स्टडी का वी फाइव क्या हो जाएगा, स्टडीज। इफ ही स्टडीज, अब ध्यान देना इस तो के लिए देन नहीं लगाना, अगर देन लगाओगे तो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। बहुत सारे लोग स्पीकिंग करते समय देन बोल देते हैं, लेकिन लिखते समय देन नहीं बोलना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, बस कॉमा लगाएंगे। इफ ही स्टडीज ही विल पास द एग्जाम। बात समझ में आ रही है, इफ ही स्टडीज ही विल पास द एग्जाम। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो पता है यहाँ पर गड़बड़ क्या करेगा, यहाँ पर भी शैल या विल का प्रयोग करेगा, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें इफ रहेगा उसमें हम शैल या विल नहीं लगाएंगे। ये बात मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूसेस में भी बताया था, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों क्लाउज का जो पोजिशन है ना, ये फिक्स नहीं है। आप चाहो तो रिजल्ट वाले क्लाउज को पहले भी लिख सकते हो, और इफ क्लाउज को यानी कि कंडीशनल क्लाउज को आप लास्ट में भी लिख सकते हो, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर हमने ऐसे बोला इफ ही स्टडीज ही विल पास द एग्जाम, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी कह सकते हैं, ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम इफ ही स्टडीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कॉमा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर कॉमा लगाने का ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब हम इसे फ्लिप कर दिए, यानी कि रिजल्ट वाला क्लाउज को पहले लिखें और कंडीशनल क्लाउज को लास्ट में लिखें, तो बीच में हमारा दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया, ये इफ कंजंक्शन किया, ठीक है। तो बीच में देखो दो क्लाउज को जोड़ने के लिए या तो यहाँ पर कंजंक्शन आएगा या फिर कॉमा आएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे थे क्योंकि इफ हमारा कंजंक्शन शुरू में हो जा रहा था, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर कॉमा से काम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा नहीं लगा रहे क्योंकि इफ यहाँ पर हमारा बीच में आ गया और दोनों क्लाउज को बहुत आसानी से जोड़ दिया। तो दोनों ही देखो इस सेंटेंस के लिए दोनों ही तरीका सही है, ऐसा नहीं है कि पहला सही है सेकंड गलत है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया ओपन कंडीशन, ठीक है। ओपन कंडीशन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है भाई वो अगर वो पढ़ेगा तो परीक्षा पास करेगा यानी 50% संभावना है, और अगर वह नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं करेगा यानी 50% संभावना नहीं भी है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ओपन कंडीशन यानी कि खुली शर्त, ठीक है। अब जैसे देखो ओपन कंडीशन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और क्या लिया हमने, ठीक है। अगर वह तेज दौड़ेगा, अगर वह तेज दौड़ेगा तो वह रेस जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इफ ही रन्स फास्ट, इस तो के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ही विल विन द रेस, ठीक है। तो इसे चाहो तो आप फ्लिप भी कर सकते हो, यानी कि ही विल विन द रेस इफ ही रन्स फास्ट, दोनों ही तरीका सही है, मैंने आपको नीचे यहां पर बताया, ओके। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, एक में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं यानी वी वन या वी फाइव, और एक में हम फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं यानी कि शैल या विल, है ना। तो एक चीज ध्यान देना, अभी जो हमारा यहाँ पर ओपन कंडीशन में जो हमारा ये आपका जो रिजल्ट वाले क्लाउज है ना, रिजल्ट वाले क्लाउज में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जो मॉडल वर्ब जो लिख रहे हैं, विल लिख रहे हैं या फिर शैल लिख रहे हैं, इसके जगह पे जरूरत के हिसाब से कोई और भी मॉडल का यूज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वह रेस जीत जाएगा, बस हम एक संभावना बता रहे हैं। अगर आपको कैपेसिटी बताना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आपको कैपेसिटी बताना है तो यहाँ पर आप विल के जगह पे कैन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है ना, ये वैरी कर सकता है
सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस, यानी विल से हम यहाँ पर संभावना बता रहे हैं, लेकिन इफ ही रन्स फास्ट ही कैन विन द रेस। यहाँ पर अगर हम कैन लगा देंगे विल के जगह पे तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर हम कैपेसिटी बताते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो रेस जीतने का, तेज दौड़ने का कैपेसिटी है, ही कैन विन द रेस। आप चाहो तो और भी दूसरा मॉडल लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर मे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मे लगाने का मतलब क्या, हम केवल गेस कर रहे हैं कि वह रेस जीत सकता है, ठीक है। यहाँ हमने पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बता दिया, यहाँ पर हमने कैपेसिटी बता दिया, यहाँ पर हमने गेस बता दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी रहेगा तो मॉडल वर्ब में शैल या विल ही रहेगा, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ओपन कंडीशन है, और ओपन कंडीशन क्या होता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मैं आपको सेकंड कंडीशन के बारे में बताता हूँ। सेकंड कंडीशन का नाम क्या है? सेकंड कंडीशन का नाम है अनरियल कंडीशन, ठीक है। तो अनरियल कंडीशन किस तरह का कंडीशन होता है? अनरियल कंडीशन हम ऐसे कंडीशन को कहते हैं जिसकी होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि ऐसे कंडीशन हमें इम्प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन इम्प्रोबेबल होते हैं, और कुछ कई बार तो आपको इस कंडीशन का नाम आपको इमेजिनरी कंडीशन के रूप में भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। कई बार लोग इसको हिपोथेटिकल कंडीशन भी बोलते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अनरियल कंडीशन हम किसको कहते हैं, ये किस तरह के कंडीशन होते हैं। अगर वह पढ़ता तो वह परीक्षा पास करता, ठीक है। तो सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कहानी पूरा पास्ट का है? तो मैं आपको बता दूं, कहानी पास्ट का बिल्कुल नहीं है, ये भी बात प्रेजेंट में ही हो रही है। ओपन कंडीशन में मैंने एक सेंटेंस दिया कि अगर वह पढ़ेगा तो वह परीक्षा पास करेगा, वो भी बात प्रेजेंट में हो रहा था, ठीक है, और ये भी बात प्रेजेंट में ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अगर वह पढ़ता तो ये हमारा कैसा क्लॉज हुआ? ये हमारा क्लॉज हो गया कंडीशन क्लॉज, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशन क्लॉज, देखो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है, COND कंडीशन क्लॉज। और वह परीक्षा पास करता, ये कंडीशन, ये कैसा क्लॉज हो गया? ये हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट वाला, ये कंडीशन वाला, चलो भाई पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन क्लॉज और ये रिजल्ट क्लॉज। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो ST का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है मतलब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। और जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम विल का जो पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म होता है वुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 के फॉर्म में होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ से आपके मन में शायद एक डाउट आए कि अगर वह पढ़ता तो वह परीक्षा पास करता, सर अगर ये बात प्रेजेंट में हो रहा है तो आपने यहाँ पर रूल पास्ट में क्यों लिखा, ठीक है भाई, प्रेजेंट वाला कहानी को तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, लेकिन सर आपने यहाँ पर पास्ट के फॉर्म में लिखा वर्ब को, यहाँ भी देखो विल का पास्ट वुड हो गया। तो ध्यान देना, ये जो हमारा कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमारा अनरियल कंडीशन है, हिपोथेटिकल कंडीशन है। देखो अगर आपने मूड पढ़ा, ठीक, अगर आपने मूड पढ़ा है, मूड वाला चैप्टर पढ़ा, तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस जो है ना, ये सब्जंक्टिव मूड है। सब्जंक्टिव मूड हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि अनरियल होते हैं, जिसके होने की संभावना ना के बराबर होता है, जो कि हिपोथेटिकल होते हैं, ठीक है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी सब्जंक्टिव मूड होता है ना तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ट्रांसलेट करते हैं पास्ट टेंस में। बात समझ में आ रही है? तो इस कारण से यहाँ पर हम क्या करें, पास्ट टेंस में इसको, इसके रूल को लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये किस तरीके से सेंटेंस आपके इम्प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, ठीक है, यानी हिपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है। अगर वह पढ़ता तो वह परीक्षा पास करता, इसका मतलब है मुझे बिल्कुल पता है कि वो पढ़ता लिखता है नहीं, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इस कारण से वो नहीं पढ़ेगा। मुझे पता है, मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ कि अगर वह पढ़ता तो परीक्षा पास करता, आगे चल करके अपना फ्यूचर बनाता, लेकिन मुझे पता है कि वो पढ़ेगा नहीं। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो
तो उसके बारे में हम श्योर होकर कह सकते हैं कि वो पढ़ेगा और परीक्षा पास कर जाएगा। लेकिन जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो उसके बारे में अगर हम ऐसी बात कहें तो ये क्या हो गया, ये इम्प्रोबेबल हो गया, इसके होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा जब इंग्लिश में लिखेंगे, तो इफ ही और स्टडी का सेकंड फॉर्म V2 में लिखेंगे, तो इफ ही स्टडीड कॉमा ही वुड पास द एग्जाम, ही वुड पास द एग्जाम। बात आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कहानी, हम बात हम कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं किसमें, हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। और यहाँ भी देखो विल आपके पास्ट फॉर्म में लिखा गया, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हिपोथेटिकल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। बस आप इतना समझ लो कि अगर कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट अगर अनरियल हो ना, हिपोथेटिकल हो, यानी कि फेक हो, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है, यानी जिसके होने की संभावना ना के बराबर हो, तो भले ही ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट में कहेंगे, लेकिन जब भी हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो अगेन यहां पर भी आप चाहो तो सेंटेंस को फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ, ही वुड पास द एग्जाम इफ ही स्टडीड। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब मैं आपको अनरियल कंडीशन को समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगर मेरे पास पंख, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। अब देखो ये स्टेटमेंट मैं प्रेजेंट में दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। क्या ये संभव है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या ये काम हो सकता है? तो हमें अनरियल कंडीशन से ऐसे इवेंट के बारे में, ऐसे घटना के बारे में पता चलता है विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, जिसकी होने की संभावना ना के बराबर है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, अनरियल कंडीशन, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरे पास पंख हो सकते हैं? मेरे पास पंख बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इमेजिन कर रहा हूँ, इसलिए हम इसे कभी कभी इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। तो इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, इफ आई हैड विंग्स कॉमा I would fly in the sky। अगेन आप चाहो तो यहाँ पर दोनों क्लॉज को फ्लिप कर सकते हो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई हैड विंग्स। तो बात प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन लिखा कहाँ जा रहा है, पास्ट टेंस में। क्यों, जब कभी भी आपको अनरियल कंडीशन बताना हो तो कहाँ करेंगे आप, पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, ठीक है, If I was your you, I would forgive him। अब देखो यहां पर फिर से मैंने एक सेंटेंस लिया, If I was your you, I would forgive him। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे माफ कर देता। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी बात कैसा है, ये भी बात आपका अनरियल है, ठीक है, ये भी कंडीशन कैसा है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है। सबसे पहले तो आपका पहला वाला ही काम नहीं हो पाएगा, पहला कंडीशन ही नहीं फॉलो हो पाएगा, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा इसका, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गया। लेकिन आगे समझने से पहले, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, और इस यहाँ पर गलती की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सबसे पहले आप इसको समझिए, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं खेल रहा था, तो आप क्या लगाओगे, आई के साथ वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, आई वॉज प्लेइंग या फिर आई वर प्लेइंग, तो मुझे बताना आई के साथ क्या करोगे, आई के साथ आप वॉज लगाओगे या फिर वर लगाओगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई के साथ हम क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे, वर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट के एक रियल इवेंट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर वॉच सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपको यहाँ सेंटेंस में पूछूँ कि आई के साथ आप वॉच लगाओगे या वर लगाओगे, तो आप कहोगे कि सर आई के साथ हम वॉच लगाएंगे, तो पता है यहाँ पर वॉच बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप वॉच लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर्ब सही होगा। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, शी हो, ही हो, इट हो, दे हो, वी हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी कभी कभी प्रॉब्लम पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिखा, वॉज का भी लिखा और वर का भी लिखा। तो ध्यान दीजिएगा वास्तव में वॉज या वर किसका फॉर्म है, वॉज या वर जो है ना ये बी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, बी का पास्ट फॉर्म है, बी का पास्ट फॉर्म है, बी का पास्ट फॉर्म दो दो हो जाता है इसमें, ठीक है। वॉज भी होता है और वर भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा रियल स्टेटमेंट है तब हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे। लेकिन अगर बात अनरियल कंडीशन की आ जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे वॉज नहीं लगाना, आपको क्या करना है वर लगाना। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर अनरियल कंडीशन है और अनरियल कंडीशन में आपको अगर अनरियल कंडीशन में अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज में यानी कंडीशन वाले क्लाउज में यानी कि इफ वाले क्लाउज में अगर आपको बी का पास्ट फॉर्म लेना है तो बी का पास्ट फॉर्म में आप कभी भी वाज मत लेना, वाज गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है केवल और केवल वर लेना है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो सही चीज़ क्या हो जाएगा, वाज नहीं रहेगा, क्या होगा वर होगा। चलो यहाँ पर मैं फिर से वर लिख देता हूँ, तो सही चीज़ क्या हो गया वर हो गया। तो इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं उसे माफ़ कर देना, सबसे मैं उसे माफ़ कर देता। सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या आई यू बन सकता है, क्या आई यू बन सकता है, क्या एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन सकता है, दूसरा व्यक्ति के जैसा बन सकता है लेकिन दूसरा व्यक्ति ही बन जाए एग्जैक्टली, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक ऐसा कंडीशन है कि आई कभी यू बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहीं पर जो कंडीशन हमारा है ना ये प्रोबेबल नहीं बल्कि इम्प्रोबेबल है, अनरियल है, इमेजिनरी है, ठीक है, फेक है। तो इस कारण से हमने यहाँ पर क्या किया, इसको भी पास्ट में लिखा और इसको भी पास्ट में लिखा। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आप एक बात ध्यान रखना, ये मॉडल वर्ब फिक्स नहीं है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर जैसे अगर क्षमता बताना होता, ठीक है, तो कैन का पास्ट कूड हो जाता, मे का पास्ट माइट हो जाता। तो मॉडल वर्ब यहाँ पर चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और यहाँ पर जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो पास्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पास्ट के फॉर्म का मतलब क्या, विल किससे बना, देखो वुड किससे बना, वुड बना, विल का पास्ट, पास्ट विल का पास्ट इक्विवेलेंट है। आपका कुड किससे बना, कैन से बना, ठीक है। और माइट किससे बना, माइट किसका पास्ट इक्विवेलेंट है, मे का, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर एक मॉडल वर्ब का यूज़ होगा, ज़्यादातर वुड का यूज़ होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्षमता बताना हो, डाउट बताना हो, तो वहाँ पर मॉडल वर्ब चेंज हो सकता है। लेकिन जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर आप विल नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आप कैन नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आप मे नहीं लिख सकते हो। ये आपका विल वुड बन जाएगा, कैन आपका कुड बन जाएगा, मे आपका माइट बन जाएगा। अब देखो यहीं पर एक चीज़ मैं और भी बहुत अच्छा बात आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब कि इस सेंटेंस को लिखने का तरीका और क्या क्या हो सकता है। पहला तरीका तो इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, दूसरा तरीका क्या होगा हम इसी को फ्लिप कर देंगे, तो आई वुड फॉरगिव हिम इफ़ आई वर यू। तीसरा तरीका मुझे बताओ, अभी तक तो मैं दो तरीका बता रहा हूँ कि आप, ठीक है, दोनों क्लाउज को आपस में एक्सचेंज करके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका देखो क्या, आपको क्या करना है, इफ़ का यूज़ नहीं करना, आपको सेंटेंस में इफ़ का यूज़ नहीं करना है, फिर भी इफ़ का मीनिंग मिलना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इफ़ को रिमूव करने का तरीका क्या, तो जब कभी भी अगर आपको इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ को अगर रिमूव करना है तो देखो ये नियम जो है ना ये पहले वाले ओपन कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये आपके ये वाला कंडीशन में होगा और आगे जो मैं पढ़ाऊँगा उस कंडीशन में होगा। तो इस कंडीशन में आप इफ़ को रिमूव कर सकते हो, लेकिन इफ़ को रिमूव करने का तरीका क्या,
इफ को रिमूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कुछ मत करो, ठीक है, सीधे इस वर्ब को बाहर निकाल दो। तो इस वर्ब को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वर आई यू, ठीक है, आई वुड फॉरगिव हिम। अब ये मत समझ जाना कि ये कोई नया सेंटेंस है या दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये भी सेंटेंस है ना, यही वाला सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर बस हमने क्या किया, हमने इफ को रिमूव कर दिया, इफ को हटा दिया। और इफ का हटाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर जो आपको वर्ब दिखाई दे रहा है ना, उसको क्या कर देना, उसको बाहर निकाल देना। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के तीन तरीका हो गया। तो इस तरीके से देखो, जनरली हम कंडीशनल सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, हमें इफ दिखाई देता है तब हम तुरंत पहचान लेते हैं कि वो कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको इफ नहीं भी दिखाई देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस है, बशर्ते ये जो वर है ना ये सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब मैं आपको तीसरे कंडीशन के बारे में बताता हूँ। तीसरा कंडीशन का नाम है क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। तीसरा कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कंडीशन। भाई क्लोज्ड कंडीशन किस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं? तो क्लोज्ड कंडीशन सबसे पहली बात है कि जब हम ओपन कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे तो ओपन कंडीशन का जो बात होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है वो प्रेजेंट का होता है, ठीक है। और जो हमारा ये आपके अनरियल कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन, वहाँ भी हम स्टेटमेंट प्रेजेंट में ही दे रहे थे, वो अलग बात है कि हम उसे ट्रांसलेट पास्ट टेंस में कर रहे थे, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट का ही था। लेकिन जब क्लोज कंडीशन की बात होती है तो क्लोज कंडीशन हमेशा पास्ट के इवेंट के बारे में बात होता है, पास्ट के कंडीशन के बारे में बात होता है, ठीक है। तो क्लोज कंडीशन हम ऐसे कंडीशन को कहते हैं जो कि विच वॉज पॉसिबल इन द पास्ट, जो कि पास्ट में पॉसिबल था, यानी जिसकी होने या ना होने की संभावना केवल और केवल पास्ट में एग्जिस्ट करता था, प्रेजेंट से अब इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, इसी कारण से इसका नाम रखा गया क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन का मतलब क्या, जो भाई पास्ट में होना था, जो होना था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, यानी कि अब जो मामला है ना वो पूरा क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया, अब उसको प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन को हम कहते हैं क्लोज्ड कंडीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो अगर वह पढ़ा होता तो वह परीक्षा पास कर गया होता। अब मुझे बताओ ये जो बात हम लोग कर रहे हैं इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है? तो बिल्कुल ये पास्ट का है कि अगर वह पढ़ा होता, यानी पास्ट में हम बात कर रहे हैं कि उसके पास पूरा संभावना था, पूरा मौका था हर तरीके से, ठीक है, उसको घर से भी पूरा छूट था कि भाई पढ़े और परीक्षा पास करे, लेकिन ना वो पढ़ा और ना वो परीक्षा पास किया, यानी मामला अब क्या हो गया, मामला अब क्लोज्ड हो गया, ठीक है। मतलब इट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, यानी पास्ट में जो समय था वहाँ पर आपको करना था, वहाँ पर आपने नहीं किया, इसलिए अब प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा अगर वह पढ़ा होता ये कैसा क्लाउज हुआ, ये कंडीशन वाला क्लाउज है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन वाला क्लाउज है। अगर वाले क्लाउज को हम कंडीशन क्लाउज कहते हैं। और वह परीक्षा पास कर गया होता, ये हमारा कैसा, रिजल्ट वाला है ना, ये हमारा रिजल्ट वाला क्लाउज है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कंडीशन वाला क्लाउज है उसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारा जो रूल होगा ना ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा होगा ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम मॉडल वर्ब वुड लगाएंगे, और चूंकि ये हमारा परफेक्ट टेंस में है तो ये भी हमारा परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम V3 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा, इफ ही हैड स्टडीड, देखो इस तो के लिए हम क्या करते हैं, इस तो के लिए हम कॉमा लगाते हैं, ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम,
बात समझ में आ रही है? इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। देखो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का मतलब क्या है, he would have passed the exam if he had studied। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हमने दोनों क्लाउज को आपस में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा तीसरा तरीका क्या, तीसरा तरीका है इफ़ को रिमूव करने का, इफ़ को हाइड करने का। तो इफ़ को हाइड करना है तो पता है क्या करो, आपको कुछ नहीं करना है, इफ़ को हाइड कर देना है और जो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, इसको बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका में हम क्या करेंगे, इफ़ को हटा देंगे। तो क्या करना होगा, हैड को बाहर निकालना होगा। तो कैसे बनेगा, हैड ही स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। तो यहाँ पर हम तीन तरीके से कह सकते हैं, यही चीज़ हमारा अनरियल कंडीशन में भी था, हमारे क्लोज कंडीशन में भी है। ओपन कंडीशन में केवल दो तरीके से, ओपन कंडीशन में आप इफ़ को रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सेकंड कंडीशन, अनरियल कंडीशन और क्लोज कंडीशन में आप तीसरे तरीके से भी लिख सकते हो इफ़ को हटा करके। और इफ़ को कैसे हटाते हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया, आई होप कि आपको क्लोज कंडीशन समझ में आया। आइए अब मैं आपको फोर्थ और लास्ट कंडीशन के बारे में बताता हूँ, जो हमारा फोर्थ नंबर का कंडीशन है, इसे हम कहते हैं फैक्चुअल कंडीशन, ठीक है। अच्छा कभी कभार आप फैक्चुअल कंडीशन को जीरो कंडीशन के नाम से भी सुन सकते हैं, कुछ लोग इसे जीरो कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। मैं इसे फैक्चुअल कंडीशन इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे हमें जनरल फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। जनरल फैक्ट्स का मतलब क्या, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि जनरली ट्रू हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे हम आमतौर पर सत्य मानते हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो साइंटिफिक ट्रूथ आ जाए, इसमें चाहे तो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या कोई भी जनरल फैक्ट आ जाए, तो ऐसे ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, फैक्चुअल कंडीशन। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि फैक्चुअल कंडीशन में जो रिजल्ट हमारा होता है ना, ये 100% पॉसिबल होता है इसका होने का, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस है, इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपको मेन चीज यहां पर समझना है वो आपको दोनों क्लाउज के टेंस के बारे में समझना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला क्लाउज हमारा क्या है, कंडीशन क्लाउज। मैंने आपको बताया कि इफ वाले क्लाउज को हम क्या कहते हैं, कंडीशन क्लाउज। और दूसरा जो हमारा ये रिजल्ट क्लाउज है, ये कैसा क्लाउज है, ये रिजल्ट क्लाउज है। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन क्लाउज हमारा किस टेंस में, कंडीशन क्लाउज हमारा किस टेंस में भाई, ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। ये किस में है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब क्या, प्रेजेंट सिंपल। और जो हमारा रिजल्ट वाला क्लाउज है, ये भी हमारा सेम टेंस में होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही है? तो यही खासियत होता है आपके फैक्चुअल कंडीशन यानी कि जीरो कंडीशन का, दोनों ही क्लाउज आपके सेम टेंस में रहेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अगर ओपन कंडीशन से इसको कंपेयर करोगे तो ओपन कंडीशन में जो कंडीशन क्लाउज है ना, वहां पर प्रेजेंट इनडेफिनिट था, और जो हमारा रिजल्ट वाला क्लाउज है उसमें फ्यूचर इनडेफिनिट था, जिसमें हम सेल विल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी क्लाउज में सेल विल, कोई भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, दोनों ही आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। आपको पता है प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब हमारा किस फॉर्म में होता है, V1 या V5, यहाँ भी वही बात हो जाएगा, V1 या V5। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये आपका क्या, एक साइंटिफिक ट्रूथ है, आप इसे जनरल फैक्ट भी कह सकते हैं,
कि इफ आइस मेल्ट्स, यानी कि अगर जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ पिघलने के बाद क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये तो भाई 100% ट्रू है, सिंपल सी बात है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको तो पता ही है। अगर ये जो आइस है मेल्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फैक्चुअल कंडीशन वाला रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो जब कभी भी आपको जनरल फैक्ट बताना हो कंडीशन में, तो आपको दोनों टेंस को प्रेजेंट इनडेफिनिट में रखना है। जैसे देखो, इफ यू ईट टू मच, इफ यू ईट टू मच यू गेट फैट, इफ यू ईट टू मच यू गेट फैट। तो जनरल ट्रूथ को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट, यानी अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो। इफ़ यू ईट टू मच यू विल गेट फैट बोलेंगे तो इसका कुछ और मतलब हो जाएगा। इसका मतलब है कंडीशन कि अगर ज़्यादा खाओगे तब तुम मोटे हो जाओगे, लेकिन ये हमारा जनरल फैक्ट भी तो है कि ज़्यादा खाने से भाई आदमी का जो होता है वेट गेन होता है, वो मोटा हो जाएगा। तो इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट, तो यहाँ पर दोनों ही क्लॉज हमारा क्या है, दोनों ही क्लॉज हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इफ़ आई टीच 12 आवर्स एवरी डे आई गेट टायर्ड, इफ़ आई टीच 12 आवर्स एवरी डे आई गेट टायर्ड, अगर 12 घंटा लगातार पढ़ाऊँ ना तो मैं थक जाऊँगा। भाई कोई भी थक जाएगा, ये जनरल फैक्ट है। तो जनरल फैक्ट बताने के लिए आपको क्या करना है, दोनों ही क्लॉज को आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में रखना है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं फैक्चुअल कंडीशन या फिर जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन का मतलब इसलिए हम इसे जीरो कंडीशन कहते हैं क्योंकि इसकी अब होने की संभावना 100% है, इसका रिजल्ट आना 100% है, ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट आना 100% है तो इसलिए समझ लीजिए कि इसमें कोई कंडीशन अब रहा ही नहीं, इसलिए इसका नाम है जीरो कंडीशन, या फिर आप इसे फैक्चुअल कंडीशन भी कह सकते हैं। फैक्चुअल कंडीशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस तरह के कंडीशन से हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरल फैक्ट्स बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये रहा हमारा चार तरीके का कंडीशन। पहला कंडीशन हमारा ओपन कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा अनरियल कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्लोज्ड कंडीशन, और जो हमारा चौथा और आखिरी कंडीशन है ये फैक्चुअल कंडीशन। बात समझ में आ रही है। ओपन कंडीशन से हम क्या करते हैं, ओपन कंडीशन प्रेजेंट का स्टेटमेंट होता है, और ओपन कंडीशन से हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है, जिसके 50-50% संभावना है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हमारा अनरियल कंडीशन से हम इम्प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी कि जो जिसका होने का संभावना ना के बराबर है, विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, ठीक है। और ऐसे अनरियल कंडीशन को हम इमेजनरी कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट का होता है, लेकिन हम इसे ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और आगे जो हमारा रिजल्ट वाला क्लाउज होता है उसमें हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वुड का, और दूसरे कोई भी मॉडल का यूज़ करेंगे तो वो भी हमारा पास्ट के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि माइट हो गया, कुड हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारा क्लोज कंडीशन है। क्लोज कंडीशन केवल पास्ट का स्टेटमेंट होता है, वो प्रेजेंट का स्टेटमेंट नहीं होता है। यानी क्लोज कंडीशन हम ऐसे कंडीशन के बारे में बताते हैं जिसका पास्ट में होने का संभावना पूरा था लेकिन किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, यानी पूरा मामला पूरा कंडीशन क्लोज्ड हो गया, अब उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर वह मेरे पास आया होता तो बात पास्ट का हो रहा है, वो मेरे पास आया नहीं और ना ही मैंने उसकी मदद की, यानी मामला अब क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो मैं उसे इनवाइट जरूर करता, तो ये कैसा बात हो गया, ये भी पास्ट का बात हो गया, ना मुझे उसका एड्रेस पता था ना मैंने उसे इनवाइट किया, तो ये क्लोज कंडीशन। और आखिरी में जो हमारा है वो जीरो कंडीशन, यानी कि फैक्चुअल कंडीशन। जब कभी भी हम किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं कंडीशन के फॉर्म में, तो हम दोनों ही क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये हमारा आज का क्या है, ये हमारा आज का कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पर होता है कंप्लीट।
और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एडवांस टेंस के साथ साथ मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस भी बताऊंगा। कंडीशनल्स भी आज आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देना, आपका टेंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप चाहे तो आजमा कर देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस से भी आते हैं। लेकिन आप ये मत समझना कि कंडीशनल सेंटेंस मेरा यहीं पर कंप्लीट हो गया। कंडीशनल सेंटेंस का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो कि सारे क्वेश्चन आपके कंडीशनल से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल से क्वेश्चन कॉमन एरर के किस तरीके के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक के किस तरीके के आते हैं, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशनल से सबसे ज़्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आता है। तो मैं सभी फॉर्मेट में क्वेश्चन को करवाऊंगा, स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कंडीशनल्स पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और हर तरीके का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगे। ठीक है, चलिए जाते जाते मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। दो काम आपको करना है, एक तो आपको कंडीशन बताना है कि यह सेंटेंस कौन से कंडीशन का है, और दूसरा आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। सेंटेंस आपका क्या है? सेंटेंस है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आपने तो ये गाना सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर गाना पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कंडीशन बताना कि ये जो आपका लाइन है ये किस कंडीशन में है। ठीक है, पहले कंडीशन में है, दूसरे कंडीशन में है, तीसरे में या चौथे में, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।